हमारी दुनिया के 70% हिस्से में सिर्फ पानी है और बाकी बचे 30% में इंसानों का बसेरा, ये बात तो आप जानते ही होंगे। आप ये भी जानते होंगे कि इस 70% पानी में से महज 3% पानी ही इंसानों के पीने की योग्य है। आप ये भी जानते होंगे कि जल संकट हमारी दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो बात आप नहीं जानते होंगे वो है यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट। दरअसल में इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जल संकट का शिकार सबसे ज्यादा छोटे बच्चे हो रहे हैं। आज इस वीडियो में बात इसी रिपोर्ट की होगी। इस रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में 4.5 करोड़ बच्चे ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहां पानी की किल्लत है। यही नहीं, वैश्विक स्तर पर 1.42 अरब लोगों को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 80 देशों में बड़ी संख्या में बच्चे ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहां पानी का संकट बहुत बुरी तरह इन बच्चों को प्रभावित कर रहा है। पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के आधे से अधिक बच्चों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में यह आंकड़ा क्रमशः 31% और 25% तक पहुँच गया है, जबकि मध्य एशिया के बच्चों में यह स्थिति 23% के आसपास है। बता दें कि इस रिपोर्ट में 37 हॉटस्पॉट देशों को चिन्हित किया गया है, क्योंकि इन जगहों पर ही जल संकट की स्थिति अत्यधिक विकराल है। इन देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हैती, इथोपिया, तंजानिया, यमन, केन्या, बुर्किना फासो और सूडान आदि देश शामिल हैं। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरीटा फोर का कहना है कि पानी का संकट एकदम से नहीं आया है, यह लंबे समय से था और क्लाइमेट चेंज ने इसे और भयावह बना दिया है। जब अकाल ने फूड सप्लाई को बाधित किया तो बच्चे कुपोषण का शिकार होने लगे, और जब बाढ़ आई तो बच्चे पानी जनित रोगों से बीमार पड़ने लगे। वहीं जब पानी के स्रोत कम होने लगे तो बच्चों के पास इतना पानी भी नहीं बचा कि वे अपने हाथ धो सकें और रोगों से अपना बचाव कर सकें। इस रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि दुनिया भर में पानी की मांग लगातार बढ़ रही है, जबकि संसाधनों में लगातार कमी हो रही है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या का लगातार बढ़ना, शहरीकरण, पानी का दुरुपयोग और मिसमैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज और मौसम की अप्रिय घटनाओं ने उपलब्ध पानी की मात्रा को भी कम कर दिया है। यूनिसेफ की रिपोर्ट में यह भी चेताया गया है कि साल 2040 तक दुनिया में 4 में से 1 बच्चा पानी की गंभीर समस्या का सामना कर रहा होगा। बात अगर भारत के बच्चों की करें तो इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में 9.14 बच्चे जल संकट का सामना कर रहे हैं, यानी कि भारत में बच्चों की कुल आबादी का 20% हिस्सा बच्चे जल संकट से लड़ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए lalluram.com। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे रविंद्र जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।